केरल में दो महिलाओं की बलि देने के नाम पर हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कई चीजों को ध्यान में रखकर कर रही है। पुलिस ने कहा कि साजिश रचने वाला शख्स साइको है। कोची शहर के पुलिस आयुक्त CH नागराजू ने कहा कि हमें जांच के दौरान पता चला कि शफी ही मुख्य साजिशकर्ता और इस घटना को अंजाम देने वाला है। मुख्य आरोपी शफी मानसिक तौर पर एक विकृत इंसान है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या और भी आरोपी इस मामले में शामिल हैं और क्या ऐसे और भी मामले हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले दंपत्ति की पहचान भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला के रूप में हुई है, जो पठानमथिट्टा जिले के अरनमुला के पास अपने घर पर एक मसाज सेंटर चलाते हैं। मोहम्मद शफी जून और सितंबर में दोनों महिलाओं को दंपत्ति के घर लाया, जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले में सिंह और लैला के साथ शफी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तीनों आरोपियों को शहर की अदालत में पेश किए जाने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कोची के पुलिस आयुक्त CH नागराजू ने कहा कि शफी हिस्ट्री सीटर है और पिछले 15 सालों में उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसका फेसबुक पर फेक अकाउंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को आर्थिक समस्या है तो उससे संपर्क करें। इस तरह उसने सिंह से दोस्ती की और उसका विश्वास जीता। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने अब एक विशेष टीम का गठन किया है और जांच पूरी करने के लिए आरोपी की हिरासत की मांग की है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग की टीम ने जानकारी दी है कि गोल्ड तस्करी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। कस्टम विभाग की टीम ने अलग अलग लोगों से करीब 15 किलो सोना और विदेशी करेंसी जब्त की है। मार्केट में सोने की कीमत करीब 7.87 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से करीब 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। यात्री सोने को ब्रेड स्लाइस और अन्य रूपों से छिपाकर लाए थे। कस्टम विभाग ने बताया कि टीम ने 11 और 12 अक्टूबर को 4 अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर 15 किलो सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 7.87 करोड़ रुपए है। आरोपियों के पास से करीब 22 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। इससे पहले कस्टम विभाग ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगस्त में एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कस्टम अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में साल 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर उठे सवालों को लेकर सुनवाई हुई। नोटबंदी की संवैधानिकता की जांच संबंधी याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। बता दें कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर लक्ष्मण रेखा से अवगत है, लेकिन ये तय करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या ये मुद्दा केवल अकादमिक अभ्यास बन गया है। 5 जजों नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क ये है कि RBI अधिनियम की धारा 26 केंद्र को विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। इसलिए मुख्य सवाल ये है कि क्या सरकार के पास धारा 26 के तहत 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है। वहीं अटर्नी जनरल R वेंकट रमी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मुद्दा अब एक अकादमिक अभ्यास बन गया है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदम्बरम ने कहा कि सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से करेंसी नोटों को रद्द करने की शक्ति नहीं है और जोर देकर कहा कि भविष्य के लिए ये मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है। कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर में जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई है। यूपी पुलिस किसी मामले में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के यहां दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और परिवार के लोगों में नोकझोंक हो गई। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि बिगड़ते हालात को देखते हुए अन्य जिलों की फोर्स को बुलाया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें महिला की मौत हो गई है। और यूपी पुलिस के भी 3 सिपाही घायल हुए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख के घर में दबिश की जानकारी यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी।
सूचित क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि चूंकि अगर कोई मुजलिम था और कोई ऐसी बात थी तो वो यहाँ की पुलिस को बता देते, यहाँ के आला अधिकारियों से संपर्क करते। तो सर जो मौत हुई है उसमें यूपी पुलिस का आरोप है कि हमारी उनकी गोली से नहीं हुई है, किसकी गोली से हुई है आखिर? नहीं, ये तो अभी हमारी पूरी फॉरेंसिक टीम गई हुई है, वो तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसकी गोली से हुई है क्या नहीं। तो वो अभी क्राइम सीन को हमने पूरा वो रखा हुआ है, हमारा डॉग स्क्वाड आएगा, फॉरेंसिक टीम आएगी, वो तो सारा दूध का दूध पानी वो दिखाई देगा कौन सी गोली थी, क्या हुआ। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएंगे, डॉग स्क्वाड बुलाए जाएंगे। गोलीबारी के बाद ब्लॉक प्रमुख के परिवार वालों ने यूपी पुलिस के 4 पुलिसकर्मी को पकड़कर कुंडा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी हेमंत कुटियाल, एएसपी आर ए संदीप मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहां पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 इंजर्ड है, जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की जानकारी है, इसमें और कोई चीज की पुष्टि होती है तो मेरे द्वारा आपको अवगत। बता दें कि बुधवार की शाम 2 गाड़ियों पर सादी वर्दी में 10 से 12 हाथों में पिस्टल लेकर कुंडा थाना के ग्राम भरतपुर में ब्लॉक प्रमुख गुरताज भल्लर के घर आदम के। सादी वर्दी में पिस्टल के साथ आए लोगों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने अपने को यूपी एसओजी टीम बताया। टीम ने एक वांछित डंपर चालक की तलाश में आने की बात कही है। बताया जा रहा है कि ठाकुर द्वारा खनन डंपर चालक ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर में छिपा था और उस पर 50,000 का इनाम है। उसी को लेकर पूछताछ करने पर इस दौरान ब्लॉक प्रमुख और टीम के बीच कहासुनी हो गई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।